अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीएम ऑटो से मोहम्मद ताहिर। ये भाई मेरे यूट्यूब से वीडियो देख के आए थे और ये गाड़ी है 97 ऑटो में सिविक है, डी सोलह का इंजन है सर। तो D16 के इंजन ने जो हमें एवरेज दी है, इनका कहना था कि बहुत अच्छी से अच्छी एवरेज देती है ये गाड़ी, देती है 10 से 11 की। तो ये जब मेरे पास आए, मैंने इनके प्लग खोले, गाड़ी के प्लग खोलने के बाद मैंने इनको कहा कि आपकी गाड़ी की 15-16 की एवरेज है, आपकी गाड़ी में कोई काम नहीं है, आप चले मेरे साथ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं और आपको एवरेज चेक करवाता हूँ। लेकिन इनने कहा कि अभी मेरा बजट नहीं है टैंकी का, लेकिन आप मुझे डब्बे पर चेक करवाएँ। तो ये डब्बा लगाया है हमने, डब्बे पर हमने जब इसकी एवरेज चेक की है, सिर्फ हमने इस गाड़ी का एक काम किया, क्योंकि इनका 1.5 साल से प्लग चेंज नहीं हुए थे, सिर्फ प्लग ओरिजिनल चेंज किए हैं, उसके अलावा हमने इस गाड़ी का कोई काम नहीं किया है। आपको मैं ये डब्बा, ये देख लें आप, ये डब्बा लगाया हुआ है हमने और ये पैप जा रहा है। मैं आपको ये भी आगे के इंजन की भी मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ आगे। तो इन भाई से पूछते हैं कि ये कहाँ से आए थे और इनका क्या मसला था। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई जी। भाई जान, गाड़ी कौन सी है आपकी? मेरे पास जी 97 सिविक है, रेड कलर में ऑटो जी, बिल्कुल जापानी ऑटो गाड़ी है। ठीक है, और मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी जो एवरेज थी 10 से 11। ठीक है, और अभी हमने डब्बे में चेक करके 1 लीटर पे 18 किलोमीटर आई है मेरी गाड़ी। 1 लीटर आपने अपने हाथ से पूरा जी, किया? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये चलिए 18 किलोमीटर 1 लीटर पे। 1 लीटर पे तो बिल्कुल। जब आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको क्या कहा था कि आपकी गाड़ी की एवरेज ठीक है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही पूरा नहीं डलता। बिल्कुल, आपने यही कहा था, जैसे आप कह रहे हैं आपने यही बात की थी, और आपने ये दूसरी बात ये की थी कि आप ये जो पेट्रोल ज़ाया ना करवाओ, आपकी एवरेज ये 15 से ऊपर देखे, लेकिन ये इसने 18 तक के एवरेज दे दिए 1 लीटर को। तो अब आप मुतमिन हैं? बहुत ज़्यादा यार। अब अगर एवरेज का कहते हैं कि अब एवरेज कम दे, तो आप किसको गिला देंगे? मैं तो गिला दूंगा पेट्रोल पंप वालों को, आपको तो मैं औरों को भी कहूँगा, जिसका भी ये मसला आ रहा है ना, इंशाल्लाह आपके साथ ये सारे ज़रूर कॉन्टेक्ट करेंगे, और हमारे भी बहुत सारे दोस्त सारे आपकी तरफ ही आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ब्रदर। वो ये जब आए थे, मैंने इनको कहा था कि ये 1 लीटर जो हम पेट्रोल डाल रहे हैं, ये भी आप ज़ाया ही करेंगे, उसकी वजह ये है कि आपकी गाड़ी की एवरेज बेहतरीन है। लेकिन वो कहते हैं मरता क्या ना करता, इनको तो एवरेज नहीं मिल रही थी, तो ये बार बार रब्ता कर रहे थे, और माशाल्लाह इनकी एवरेज बेहतरीन है, हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ इसके प्लग चेंज किए। और मैं आपको मीटर पर दिखा देता हूँ, ये हमने इसका मीटर ज़ीरो किया था, आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये देखें 18 की है नीचे वाला, जितनी चली है 1 लीटर पर 18.2। तो दोस्तों, हर गाड़ी में फॉल्ट नहीं होता, हमारे पास जब गाड़ियां आती हैं, हम गाड़ियों के प्लग खोलते हैं, इंजन पिस्टन का प्रेशर चेक करके बता देते हैं कि इस गाड़ी में फॉल्ट है या नहीं। ये भाई मेरे पास मौजूद थे, भाई आपके होते हुए 4 गाड़ियां आई? बिल्कुल आई है, 4 नहीं, मैं जैसे गिन नहीं चाहता, बहुत सारा है। ठीक है, शायद आप 4 ही कह रहे, लेकिन उन चार मेरे पास फ्यूल एवरेज के लिए आई थी, मैंने उनके प्लग खोले जी। आपने खोलते ही मैंने उनको क्या कहा, जिस गाड़ी में फॉल्ट होता है आप सिर्फ उसी का फॉल्ट बता देते हो ना, आप एक्स्ट्रा का बोल देते हो, अगर वो अपने मर्जी से करवाना चाहते तो आप उसके लिए रेडी है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा काम भी नहीं बताते, ये भी मैं आपके लिए नहीं। दोस्तों, इनके होते हुए मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ आई थी फ्यूल एवरेज की, उनके जब मैंने प्लग खोले तो मैंने इनको भी दिखाया था, एक गाड़ी के प्लग काले थे, बिल्कुल, तो मैंने कहा था इस गाड़ी के, ये गाड़ी पेट्रोल खा रही है। बकाया जो 3 गाड़ियाँ फ्यूल एवरेज के लिए थी, उन तीनों के प्लग रेड थे, उनकी एक की मैंने वीडियो भी बनाई है, क्योंकि वो भी तसल्ली उनको ट्राई लेके, वो भी वीडियो मैं अभी डालूंगा यूट्यूब पर। तो बकाया ये कि मेरे दोस्तों, जो भी काम हो वो काम करें, हमारे ये सिर्फ एवरेज चेक कराने का ये काम का मकसद ये बनता है कि जो भी हमारे भाई दोस्त परेशान हैं, उनको बेहतर से बेहतर हल मिले। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।